कोरोना एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे विश्व को दहशत मिला दिया। खुद हिंदुस्तान में कोरोना मरीज लाखों में हैं और अब तक कोरोना से हजारों इंसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। सुल्तानपुर में अभी तक कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर सैकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में एक सवाल बड़ा है कि जब कोरोना इस वक्त व्यापक रूप से फैल रहा है तो आम जनता को मिली हुई छूट का बेजा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। गौरतलब है कई महीनों के बाद सरकार ने लॉकडाउन में छूट सिर्फ इसलिए दी कि आम इंसान अपने जीवन को पटरी पर ला सके, लेकिन इसमें सरकार ने कुछ नियम तय कर दिए थे। लेकिन ये क्या, लोगों ने इस अनलॉक व्यवस्था की धज्जियां ही उड़ा दी। लोगों को लगा कोरोना देश से चला गया है। कईयों ने तो अफवाह भी फैला दी कि कोरोना जैसी चीज कभी थी ही नहीं। लेकिन कोई शायद समझ भी नहीं पा रहा कि कोरोना इतना भयानक है जिसका अंदाजा शायद ही किसी को हो, और जो हालात इस वक्त बाजारों की है वो आने वाले वक्त के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बाजारों में मंदिर तक खुल गए हैं, बाजारों में वही पहले जैसे लोग हैं, भीड़ है, लेकिन इन सब के बीच अब कोरोना भी है। आप लापरवाही करके जब अपने घर लौट रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप झोले में घर के सामान के साथ अपने परिवार के लिए कोरोना भी भर कर ले जा रहे हैं। सड़कों पर भारी भीड़ और जमघट लगाए लोग शायद अनजान हैं या फिर जानबूझकर कोरोना के खौफ को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिला प्रशासन भले ही अनलॉक व्यवस्था में आम लोगों के लिए छूट को महत्व दे रहा हो, लेकिन प्रशासन लगातार आपको सावधान भी कर रहा है कि कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं। लेकिन लोग कहां मानने वाले। पुलिस तो हर दिन हर आने जाने वालों को रोककर बिना मास्क लगाए लोगों का चालान भी काट रही है, और साथ ही मास्क न लगाने वाले लोगों को 10 रुपए में 2 मास्क भी दे रही है। लेकिन लोग कहां मानने वाले। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप जब भी घर से निकले तो बिना मास्क के न निकले, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ हर दुकानों पर लगी है और भीड़ खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रही है। लोग शायद कोरोना के खौफ को भूल चुके हैं, या फिर वो दिन जो उन्होंने कोरोना से बचने के लिए घरों में रहकर बिताए थे। आज जब कोरोना बुरी तरह फैल रहा है तो लोगों ने उसका मजाक बना दिया है, जिसका आने वाले वक्त में परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। इस समय हम सुल्तानपुर के डाकखाना चौराहे पे मौजूद हैं और यहाँ लगातार 8 जून के बाद जैसे कि धार्मिक स्थलें खुल गई हैं, बाजारें खुल गई हैं, लोगों का लगातार भीड़ लग रहा है, जाम लग रहा है और यहाँ पे लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं। जो एक बाइक पे 2 लोग या बिना मास्क के जा रहे हैं उनको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक कर उनको मास्क दिया जा रहा है। हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि वो मास्क क्यों नहीं लगाए। क्या नाम है भैया? सर विनय कुमार। विनय, सर लगाए थे वो भूल गए सर, लगाए थे भूल गए सर। क्या अरे मतलब इसको गमछा लगाए थे इसे, सर वो गिर गया था बस। ये गमछा था, मास्क अभी मिल गया है, मास्क लगा लिए हैं। गमछा लगाए थे सर, गमछा लगाए थे। अरे अभी निकाले ना, अभी इसको लगाने के लिए निकाले। और लोग हैं यहाँ पे, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अनिकेत यादव। अनिकेत यादव, मास्क नहीं लगाए थे। क्या मास्क नहीं लगाए थे? सर नहीं लगाए, नहीं लगाए, नहीं थे। दवा लेने जा रहे थे तो भूल गए मास्क। दवा लेने जा रहे हो, लोग कह रहे हैं कि मास्क ना लगाओ। नहीं सर लगाएंगे। इधर इनसे बात करेंगे। दिलीप कुमार। अरे ये बहाने तो हैं सर, तबीयत खराब है, बहाने तो हैं। अरे तबीयत खराब है, कोरोना हो जाएगा तब ठीक रहेगा आपके लिए। अरे रुमाल बहाने सेफ्टी के लिए। वैसे भी सुल्तानपुर जिले में कोरोना ने 1 शतक पूरा कर लिया, 100 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। तब पर भी कोई डर नहीं है? डर तो है, तभी बहाने हैं। आज वक्त है संभल जाइए और बाजारों में अपने को सुरक्षित रखिए। खुद तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और दूसरों को भी समझाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है। खुद तो मास्क लगाइए और दूसरों को भी मास्क के लिए प्रेरित कीजिए। अपना नहीं तो कम से कम उन कोरोना योद्धाओं का सोचिए जिन्होंने रात दिन जुटकर आपके लिए और देश के लिए सेवा की थी। वक्त है संभल जाइए, क्योंकि आपकी
जरा सी नादानी पूरे देश के लिए खतरा है। कोरोना ने अपना सुल्तानपुर में एक शतक पूरा कर लिया है और यहाँ पे जो बाइक पे बिना मास्क लगा के टहल रहे हैं, प्रशासन उनको 10 रुपए का 2 मास्क दे रही है प्रशासन की तरफ से और उनको समझा रही है कि आप घर से निकलें तो बिना मास्क के नहीं निकलें। कैमरामैन पर्सन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम, 944 सुल्तानपुर। सच्चाई वही जो हम बताएं।